समाचार आज तक पेश करता है दिन भर की ताजा तरीन खबरें। पहली खबर में आपको बता दें कि दूसरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए जिला व पुलिस प्रशासन ने भी एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार के जारी निर्देश का अनुपालन करते हुए जिला पुलिस ने शारीरिक दूरी के पालन के साथ ही वाहनों में मास्क व हेलमेट चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। गुरुवार को दुमका रोड में नगर थाना गेट के पास पुलिस निरीक्षक सह नगर थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह की अगुवाई में पुलिस बल के जवानों ने मास्क चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। वहीं बगैर हेलमेट के चलने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई शुरू हो गई है। अभियान के दौरान बगैर मास्क के वाहन चला रहे वाहनों को नगर थाना में जब्त किया गया है, जहां जुर्माना वसूला जा रहा है। आने वाले समय में शहर में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत होने लगी है। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि शहर के शिवपुर स्थित विवाह भवन में भाजपा जिला कमेटी की बैठक जिलाध्यक्ष राजीव मेहता की अध्यक्षता में गुरुवार को संपन्न हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि जिले के 26 वैक्सीनेशन सेंटर में भाजपा के कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभाएंगे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि झारखंड प्रदेश नेतृत्व के अनुसार गोड्डा जिला के अंतर्गत सभी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्वास्थ्य उपकेंद्रों में भाजपा के कार्यकर्ता कोविड-19 के वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सेवा संकल्प भाव से सहायता करने के लिए सभी बूथों पर तैनात रहेंगे। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि आज नौनीहाट पंचायत भवन से नौनीहाट बाजार होते हुए सेंट्रल बैंक गली से पुनः पंचायत भवन तक ज्योति आजीविका महिला ग्राम संगठन की महिलाओं के द्वारा कोविड-19 टीकाकरण पर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें कई प्रकार के नारे लगाकर लोगों को जागरूक किया गया। JSLPS के प्रखंड कार्यक्रम समन्वयक वरुण शर्मा द्वारा बताया गया कि 45 वर्ष से 60 वर्ष तक के व्यक्ति को तथा 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति को वैक्सीन लगाना है, जो कि हर एक पंचायत में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कैंप लगाकर किया जाएगा, जिसमें अभी सखी मंडल की दीदियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। नौनीहाट क्लस्टर के सामुदायिक समन्वयक टिंकू कुमार मंडल तथा IPRP पिंटू शर्मा मुख्य रूप से रैली में उपस्थित रहे। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि स्थानीय सूरज मंडल इंटर महाविद्यालय मैदान में गुरुवार को एकता महिला विकास मंच का 17वां वार्षिक महाअधिवेशन आयोजित किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन कॉलेज के प्राचार्य प्रेम नंदन कुमार, जिला परिषद सदस्य घनश्याम यादव, पूर्व विधायक प्रशांत कुमार, शिक्षाविद ममता कुमारी, अर्चना देवी, रुपेश कुमार के अतिरिक्त महिला ग्रुप लीडर ने संयुक्त रूप से किया। मुख्य अतिथि प्राचार्य प्रेम नंदन कुमार ने कहा कि एकता महिला विकास मंच के तहत पड़ियाहाट में महिलाएं काफी जागरूक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी हुई है। समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी जरूरी है, इसका मौजूदा हर दौर में प्रमाण भी देखा जा सकता है। महिलाएं काफी जागरूक हुई हैं। वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के 3 आरोपियों को जिला जज तृतीय सह विशेष न्यायाधीश संजय कुमार उपाध्याय की अदालत ने गुरुवार को 25-25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसमें गोड्डा के अर्जुन टोला तिलोबदार निवासी राकेश कुमार पंडित, साहिबगंज के बरहेट बाजार के रोहित कुमार साह एवं सदर प्रखंड के ककना नेपुरा निवासी राजीव कुमार सिंह को 376 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 25-25 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹20,000 जुर्माना भरने, 120B भादवी के तहत 20 वर्ष कारावास, ₹5,000 जुर्माना भरने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी। तीनों अभियुक्तों से वसूली गई ₹20,000 जुर्माना राशि की कुल राशि ₹60,000 पीड़िता को देने का निर्देश कोर्ट ने दिया। इसके अलावा प्रतिकर मुआवजा को लेकर डालसा को भी कोर्ट ने निर्देशित किया है। वर्ष 2020 में प्रेमी को थाने लाने पर प्रेमिका की ओर से दरोगा की वर्दी फाड़े जाने के मामले में पथरगामा थाना की पुलिस ने गुरुवार को आरोपित प्रेमिका को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला प्रखंड की कस्तूरिया पंचायत का है। उक्त पंचायत के बरमसिया ग्राम निवासी गुड्डू रवानी ने गत वर्ष पुलिस को आवेदन दिया था
कि उसकी पत्नी चांदनी देवी उसके घर में नहीं रहकर अपने प्रेमी के साथ रहती है। इसी की जांच के क्रम में अवर निरीक्षक चंदन कुमार वर्मा ने चांदनी देवी के प्रेमी को पकड़कर पथरगामा थाना ले आया और उसे जेल भेज दिया। इस दौरान चांदनी देवी को जानकारी मिलते ही वो पथरगामा थाना आई और अवर निरीक्षक चंदन कुमार वर्मा के कॉलर को पकड़कर वर्दी फाड़ दी और वहां से फरार हो गई। इसी मामले को लेकर चंदन कुमार वर्मा ने एक लिखित आवेदन पथरगामा थाना में देकर चांदनी देवी के पति गुड्डू रवानी के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की थी। दर्ज प्राथमिकी के आलोक में महिला पुलिस ने गुरुवार को गांधीग्राम से चांदनी देवी को गिरफ्तार किया और न्यायिक हिरासत में कोटा जेल भेज दिया।